बढ़िया बढ़िया सी दुकानें लगी हुई हैं। देखिए कितनी बढ़िया और सब लाइट लगी हुई हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखिए सब होल सेल में आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे रेट्स में सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए दिवाली का आइटम ये देखिए सब बेच रहे हैं। ये देखिए ये सब चीज़ें हैं भाई जी। ये कैसे है, ये लग कितने होते हैं इसमें? ये देखिए 100 रुपये का है। ये देखिए सब अभी इनको हटाना पड़ रहा है। ये देखिए सब भर रहे हैं अपना सामान। ये देखिए ये सब हटा रहे हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, क्योंकि इनको हटाने का ऑर्डर मिल गया है। जल्दी हटाइए, नहीं तो फिर इनको सामान इनका जब्त कर लिया जाता है। ये देखिए सब हटाने पर मजबूर हो गए हैं। ये देखिए सब अपनी दुकान लपेट रहे हैं। ये देखिए तो पुलिस वाले आ गए, यहाँ पे सब दुकानें हटवा रहे हैं। तो दोस्तों दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और दिल्ली के सदर बाज़ार में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ये देखिए अभी 10-11 दिन बाकी हैं और भीड़ का आलम यह है कि ये देखिए लाहौरी गेट इलाका है सदर बाज़ार का, यहाँ पे इतनी भीड़ है कि यहाँ पे अंदर आना मुश्किल था, सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सब दुकानें लगी हुई हैं जो दिवाली का सजावट का सामान और पटाखे और ये सब छोटी छोटी गन्स वगैरह, ये देखिए सब पॉप वगैरह ये सब मिल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए सब दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए सारी दिवाली का आइटम ये देखिए सब बेच रहे हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, होल सेल रेट में मिलते हैं सब चीज़ें यहाँ पे, आप आके ले सकते हैं। ये देखिए सब चीज़ें हैं। ये देखिए ये सब चीज़ें हैं भाई जी। ये कैसे है, ये लग कितने होते हैं इसमें? ये देखिए 100 रुपये का है। ये देखिए तो ये स्टार्टिंग है सदर बाज़ार की यहाँ पे लाहौरी गेट की तरफ से। तो चलते हैं अंदर सदर बाज़ार के अंदर, देखते हैं यहाँ का माहौल किस तरह का है इस बार दिवाली में। ये देखिए सब चीज़ें हैं, सजावट का सामान, ये बच्चों के लिए पटाखे पॉप वगैरह। सर ये देखिए उड़ा रही है 100 रुपये की 5। काफ़ी सस्ता सामान मिलता है सदर बाज़ार में, लोग इसीलिए यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है और दिवाली में ख़ास तौर से यहाँ पर भीड़ होती है। और ये देखिए यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, ये कितनी अच्छी दुकानें यहाँ पर हैं सजावटी सामान डेकोरेशन का। ये देखिए सब यहाँ आपको मिल जाएगा खूब बढ़िया बढ़िया। ये देखिए चीज़ें हैं, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इसमें सब होल सेल रेट मिलता था। ये देखिए लाइट्स वगैरह सारा कुछ। ये देखिए सब झालर। ये देखिए बहुत अच्छी मार्केट है ये। आपको दिवाली की शॉपिंग करनी है तो आप इस सदर बाज़ार में आएँ, अगर आसपास कहीं रहते हैं दिल्ली में या दिल्ली के आसपास तो इस साइड में भी है। ये देखिए पटरी पर भी लोग बेच रहे हैं। ये देखिए इधर दुकानों पे भी लगी हुई हैं ये सब सामान लगा हुआ है। ये देखिए सब दुकानें हैं। ये देखिए इनमें क्या अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, आपको अच्छे रेट पर सामान मिल जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए क्या बात है, ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया सब चीज़ें। ये देखिए लड़ियाँ जो हैं सब सजावट की लड़ियाँ। तो ये देखिए यहाँ पर लाइट्स बढ़िया बढ़िया सी दुकानें लगी हुई हैं, देखिए कितनी बढ़िया और सब लाइट लगी हुई हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखिए सब होल सेल में आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे रेट्स में सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए बस यहाँ पर भीड़ होती है काफ़ी। ये देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी बल्कि। ये देखिए और ये देखिए कितनी अच्छी शॉप है, काफ़ी कुछ बढ़िया बढ़िया सामान इनके पास दिखाई दे रहा है। चीज़ें हैं बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर आएँ तो बड़ी सावधानी से आएँ, सब शॉपिंग करें। ये देखिए ये सब लाइट्स वगैरह यहाँ मिल जाती है काफ़ी अच्छे रेट्स पे। ये देखिए तो भीड़ आगे काफ़ी है, चलिए और आगे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे सब कई चीज़ें होती हैं पूजा की और भी कई चीज़ें हैं। ये कितनी अच्छी शॉप है, ये देखिए सारा सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा घर में डेकोरेशन का। तो भीड़ देखिए ज़बरदस्त हो रही है। आपको नहीं बताया
ये भी एक मार्केट अंदर लगती है यहाँ पे नीचे जाकर, ये मार्केट झुग्गी वाली मार्केट यहाँ पे बोली जाती है। देखता हूँ इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है। तो अब मैं आ गया हूँ कुतुब रोड के चौक पे, ये अंदर रोड जा रही सदर बाज़ार में, इधर ये कुतुब रोड गई है, देखिए इधर से कुतुब रोड आई है। तो अभी मैं आया हूँ इधर लाहौरी गेट की तरफ से, ये देखिए। तो चलिए मैं अंदर दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या नज़ारा है सदर बाज़ार में, जूम करके दिखाता हूँ यहाँ भीड़ कितनी है। ये देखिए भीड़ कितनी यहाँ पे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे दोनों ही तरफ दुकानें हैं जो परमानेंट लगती हैं, कुछ पटरियों में दुकानें लगती हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से तो दुकानें पटरियों पे भी लगती हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये यहाँ पे बहुत सावधानी से सतर्कता से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चोर चक्के भी घूमते हैं। ये दुकानें यहाँ पे जो हमेशा रहती हैं वो हैं, वो कुछ पटरियों में दुकानें पर ये लगी हुई हैं। देखिए वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये सदर बाज़ार का हाल, दिवाली में 10 दिन बचे हैं लगभग और भीड़ काफ़ी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सदर बाज़ार का नज़ारा, ये देखिए। तो यहाँ पे आए तो अपनी बाइक या स्कूटी भी लेके ना आए, पैदल ही आए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप शॉपिंग कर सकते हैं आराम से, लेकिन अगर आप कुछ व्हीकल लेके आ जाएंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पैदल चलना ही मुश्किल हो रहा है। ये देखिए जितना वक्त नज़दीक आ रहा है दिवाली का उतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। ये देखिए ये गलियाँ यहाँ की हैं, इन गलियों में भी निकलना मुश्किल है, जाना मुश्किल है। ये देखिए ये सब बंदूकें बच्चों के, छोटे छोटे पटाखे वाली जो आजकल यूज़ होती हैं। ये देखिए इस तरह से जो है दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए भीड़, ये सब होल सेल में सामान लेके जाते हैं लोग, तो क्या है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। ये देखिए सब बैठे हुए हैं पटरियों पे भी, यहाँ पे लोग बेचते रहते हैं सामान। ये देखिए ये सब सामान आपको आराम से यहाँ अच्छे रेट से मिल जाएगा होल सेल रेट में। ये देखिए ये देखिए पॉप वगैरह बच्चों के, ये देखिए दोनों तरफ दुकानें हैं काफी। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं कि हर चीज़ के रेट पूछना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरह का सामान है। तो दिवाली में जितना भी सामान यूज़ होता है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा होल सेल रेट में सदर बाज़ार में। तो मैं चल रहा हूँ, ये देखिए ये देखिए भीड़ देखिए भाई साहब, बड़ा मुश्किल हो रहा है निकलना लोगों के लिए। ये देखिए इस तरह की दुकानें लगी हुई हैं गलियों में, अंदर बहुत सी दुकानें हैं। ये देखिए कहीं कहीं पे भीड़ नहीं है, तो इस तरह का सामान ये देखिए बिक रहा है सदर बाज़ार में दिल्ली में। ये देखिए अब ये भीड़ फिर आ गई है, तो चलते हैं इसी तरह से आगे। और ये देखिए बीड़ी बम कैसे थी भैया पैकेट, ये बीड़ी बम 120 रुपये का, 10 डिब्बी होती हैं 120 रुपये का भैया। हाँ ये देखिए सब तरह का सामान है यहाँ पर, ये देखिए 10 रुपये की है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 50 रुपये का एक है, 50 रुपये का एक है, अच्छा 50 रुपये का एक है। ये देखिए 10-10 रुपये की सब चीज़ें मिल रही हैं, कई चीज़ें 10-10 रुपये में हैं यहाँ पे। भैया ये कैसे ये वाला, ये देखिए 20 रुपये का है होल सेल रेट में। ये देखिए ये 10-10 रुपये में, ये देखिए दिक्कत यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे ये रिक्शे वाले जो सामान लेके जाते हैं, जो रिटेलर होते हैं सामान लेके जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए भर भर के तो ये जाम लगा देते हैं। अब देखिए निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, अब कैसे निकला जाए यहाँ पे, बड़ा खतरा है। ये यहाँ पर
देखिए निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कैसे निकला जाए। चाचा ये देखिए ये खड़े हुए हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है निकलने के लिए। ये देखिए इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पे, चलना मुश्किल हो गया भैया। ये देखिए इतनी अच्छी चीज़ें, दिए वगैरह, ये देखिए मोमबत्ती वगैरह सब बढ़िया, ये दुकानें लगी हुई यहाँ पे ज़बरदस्त। ये देखिए, ये देखिए ये गलियों में बहुत सी दुकानें हैं। तो अभी सीज़न का टाइम है तो यहाँ पे भीड़ ऐसी ही रहेगी अभी 10 दिनों तक, और जब तक दिवाली नहीं आती। ये देखिए इधर पटरियों पे दुकानें लगी हुई हैं और अंदर भी लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। साइड में गलियाँ भी बहुत सी हैं, उन गलियों में सैकड़ों दुकानें होती हैं, तो वहाँ से भी आप सामान ले सकते हैं जो भी आपका ज़रूरत का सामान हो। तो ये देखिए सदर बाज़ार में भीड़, और ये देखिए जब कमेटी आती है तो इस तरह से लोग भागते हैं, ये भगदड़ मच जाती है यहाँ पे, लोग भागने लग जाते हैं। ये देखिए तो कमेटी आ रही है तो भागने लग जा रहे हैं यहाँ पे, पुलिस वाले जब आते हैं तो लोग अपना सामान लेके भाग जाते हैं पटरी वाले। ये देखिए सब लेके भागने लगे हैं यहाँ से। ये देखिए तो ये इलीगल तरीके से लगाते हैं, लेकिन क्या है मजबूरी होती है लोगों की, सबको अपना अपना काम करना है। तो यहाँ पर ये दिक्कत बड़ी है सदर बाज़ार में कि पटरी पर लगाते हैं दुकान ये लोग, और जब पुलिस वाले आते हैं तो ये भागने में मजबूर होते हैं, इस तरह से जल्दी जल्दी भरते हैं। ये देखिए सब बेचारों को भरना पड़ रहा है, ये देखिए जल्दी जल्दी से भर भर के जा रहे हैं जल्दी जल्दी से। ये देखिए सब अभी इनको हटाना पड़ रहा है, ये देखिए सब भर रहे हैं अपना सामान। ये देखिए, ये देखिए ये सब हटा रहे हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, क्योंकि इनको हटाने का ऑर्डर मिल गया है, जल्दी हटाइए नहीं तो फिर इनको सामान इनका जब्त कर लिया जाता है। ये देखिए सब हटाने पर मजबूर हो गए हैं, ये देखिए सब अपनी दुकान लपेट रहे हैं। ये देखिए तो पुलिस वाले आ गए यहाँ पे, सब दुकानें हटवा रहे हैं। ये देखिए पुलिस वाले सब, ये देखिए यहाँ का सिस्टम है, पटरी पर लगाना मना है, तो जब पुलिस वाले आते सब लेकर भागते अपना सामान। ये देखिए तो अभी 10 दिन और ऐसे ही यहाँ पे रहेगा माहौल। ये देखिए कि जैसे पुलिस वाले जाते हैं तो लोग बैठ जाते हैं फिर लेके सामान, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता रहता है। तो ये देखिए इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे ये डिज़ाइनर फूल मिल रहे हैं, काफ़ी अलग क्वालिटी के हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, क्या बात है। ये देखिए इतने अच्छे अच्छे से हैं, ये देखिए क्या बात है, ये 150 का जोड़ा है। ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। ये कितने दी आंटी है ना, 40 रुपये की, 40 रुपये का एक है। अच्छा ठीक, ये देखिए 40 रुपये का एक बढ़िया सामान। ये देखिए सब चीज़ें मिल जाएंगी बढ़िया से, ये देखिए सब सजाने के लिए बढ़िया चीज़ें हैं ये सर। भाई ये कितने दिए वाला, 250 रुपये, 200 रुपये और ये 150। अच्छा ये देखिए 150 का ये वाला है, 250, ये 200 रुपये का, 250 रुपये का। ये देखिए और ये देखिए छोटे छोटे से हाथी सजाने के लिए कितने बढ़िया, ये कितने के दिए आंटी, 150 रुपये का है। ये देखिए 150 रुपये का है, और ये वाला ये 300 का है, ये 300 के दो है ना, ये 300 के दो, ये देखिए जोड़ा है 300 का। ये देखिए ठीक है आंटी, ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं बढ़िया बढ़िया। तो सदर बाज़ार में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ये देखिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें, ये देखिए क्या बात है, ये सब डेकोरेशन का सामान है यहाँ पे काफ़ी कुछ। और इधर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो फ्लावर पॉट फ्लावर के साथ में चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए ये सब दिवाली में ख़ासतौर से सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए क्या बात है ज़बरदस्त। तो अब मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी है पुलिस की, तो यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे बाहर जाने का भी रास्ता है, एग्जिट और एंट्री यहीं से ही है।